पटना में विपक्षी नेताओं की होने वाली बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर अपने हिसाब से बैठक का एजेंडा सेट करने लगे हैं। कांग्रेस ने केजरीवाल को समर्थन देने से इनकार कर दिया और केजरीवाल की बैठक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं हो सकी। अब केजरीवाल इस बात की खुन्नस पहले ही निकालना चाह रहे थे। वे चाहते हैं कि विपक्ष की एकता की चर्चा से पहले उनके समर्थन के लिए सब मिलकर कांग्रेस पर दबाव बनाएं। इसके लिए अब उन्होंने उन सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखी है जो उस बैठक में शामिल होने वाली हैं। असल में केंद्र सरकार के अध्यादेश से केजरीवाल बेहद परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, केजरीवाल के मंत्री ताबड़तोड़ उन फाइल्स को गायब करने में लग गए जिसमें घोटाले के राज छिपे हैं। मतलब कि अरविंद केजरीवाल को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार से ज्यादा जरूरी उन सबूतों को मिटाना है जिनकी वजह से मनीष सिसोदिया जेल में हैं और शीश महल मामले में खुद केजरीवाल फंसे हैं। 7 दिन के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इन्हीं फाइल्स को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन अध्यादेश के बाद तस्वीर बदल गई और फाइल्स की हेराफेरी का मामला पुलिस तक जा पहुंचा, जिसकी जांच की जा रही है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि बैठक में सबसे पहले कांग्रेस पर दबाव बनाया जाए ताकि वह उनका समर्थन कर दें। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा कि बिहार में विपक्षी नेताओं की बैठक में अध्यादेश को संसद में हराने के बाद सबसे पहले चर्चा हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, ये सफल हुआ तो केंद्र सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकार का अधिकार छीन लिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब पीएम 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य की सरकारें चलाएंगे। नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में गैर भाजपा दलों की बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के वास्ते विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले उम्मीद जताई थी कि कांग्रेस पटना में 23 जून को होने वाली गैर भाजपा दलों की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करेगी। केजरीवाल ने कहा कि वह बैठक में अन्य नेताओं से इस बारे में बात करेंगे कि पूर्ण राज्यों के लिए भी इस तरह का अध्यादेश कैसे लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह इस अध्यादेश के खतरों को वहां मौजूद प्रत्येक दल को समझाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के अध्यादेशों को लागू करके केंद्र भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आने वाले शिक्षा, बिजली जैसे सभी मामलों को खत्म कर सकता है। केंद्र ने गत 19 मई को दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले और तैनाती के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने सेवाओं के नियंत्रण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के साथ धोखा बताया था। अध्यादेश उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों का नियंत्रण सौंपने के बाद लाया गया था। शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थी। अध्यादेश के बाद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए गैर भाजपा दलों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं ताकि केंद्र द्वारा इस संबंध में संसद में विधेयक लाए जाने की स्थिति में वे पारित न हो सके। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।